तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को केवल एक वोट, जी हाँ सही सुना आपने, केवल एक वोट मिला तो सोशल मीडिया पर बीजेपी का जबरदस्त मजाक बन गया, क्योंकि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कार्तिक केवल एक वोट ही हासिल कर पाए, जो कि जाहिर है उनका खुद का होगा, जबकि उनके घर में 5 लोग हैं, यानी उम्मीदवार के घर के सदस्यों ने तक उन्हें वोट नहीं दिया। बीजेपी उम्मीदवार की ऐतिहासिक हार पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा, एक बंदा इलेक्शन में किस्मत आजमा रहा था, उसे सिर्फ एक वोट मिला, अब वो सरकार से Z+ की सुरक्षा मांगने लगा। DM ने बुलाकर कहा, आपको सिर्फ एक वोट मिले हैं तो आपको Z+ कैसे दी जा सकती है। वो बोला, जिस शहर में इतने लोग मेरे खिलाफ हों तो मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब मैंने अपने अंधभक्त दोस्त को ये सब दिखाया तो उसका तर्क था कि बीजेपी तो सभी प्रकार के रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टी है, इसीलिए ये रिकॉर्ड बनाया है। गजब ही है। मतलब क्या ये सज्जन भी अपना घर बार छोड़कर चाय बेचने निकल पड़े हैं? सारी उम्र ये सोचते निकल जाएगी बाकी 4 वोट कौन ले गया। हालांकि ये कारनामा स्थानीय निकाय चुनाव में हुआ, लेकिन बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव को भी बड़ी गंभीरता से लेने वाली पार्टी है। मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल इस तरह के प्रचार में कई बार उतर चुका है और जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दे चुका है, लेकिन ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का एक वोट पाना वाकई हैरान करता है। और बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे कैसे दिया जिसके अपने परिवार वाले तक उसे धोखा दे गए? आप ऐसे अद्भुत चुनावी परिणाम पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर।